इंडिया का जूट सेक्टर जो है, आपकी माध्यम से मैं सरकार का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो जूट सेक्टर है वो अभी बहुत ही खराब हो गया। पिछले साल रॉ जूट का प्रोडक्शन हुआ था 13 लाख टन, जबकि ये 5 लाख हेक्टर जमीन में ये प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन पटसन निगम जो कि एक भारत सरकार की संस्था है, पिछले साल केवल 56,000 बेल खरीद कर पाया, जबकि बाजार में 90 लाख बेल मौजूद था। और इसके चलते हमारे जो किसान हैं, जो लोग जूट प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं, ये लोग उससे भी ज्यादा ये लोग को डिस्ट्रेस सेल करने पड़ा। एमएसपी के नीचे 400 से 500 पर क्विंटल उनको घटा के बेचने पड़ा और जूट कॉरपोरेशन ने उनको उन लोग तक नहीं पहुंच पाया। और इस साल अभी तक भारतीय पटसन निगम अभी तक मार्केट में इंटरवेंशन नहीं किया, और इसके चलते वो एमएसपीओ खाता में लिखा हुआ है, सरकारी नोटिस में लिखा हुआ है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है। इस साल भी 700 से 800 रुपया घटा करके उनको कम करके उसको बेचने पड़ता है। ये हाल है हमारा किसानों का, जबकि 30 लाख फैमिली ये पार्ट जो जूट जो प्रोडक्शन होता है इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये केंद्रीय सरकार ने जो जनविरोधी नीति अपनाया, इस जनविरोधी नीति के चलते 17 जूट मिल, पिछले साल 62 जूट मिल के अंदर 17 जूट मिल बंद हो चुका है, जिसमें 7 जूट मिल बराबर के लिए बंद हो गया, उसमें 3 सरकारी जूट मिल है, नेशनल, एलेक्जेंड्रा और यूनियन, ये 3 जूट मिल हमेशा के लिए बंद हो गया। अभी इस साल सरकार ने जो पॉलिसी अनाउंस किया, इससे वो प्लास्टिक लॉबी को मदद देता है, और जो जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपलसरी एक्ट है उसको वायोलेट करके ये इसको डाइल्यूशन हो रहा है जूट बैग का यूज। और सरकार ने निर्देश जारी किया कि 2024 के अंदर वो सारे इसको जूट बैग का जो यूज है इसको हटा देगा। अभी तक इसने सरकार ने चीनी में जूट बैग का यूज 80% घटा दिया, और दूसरे फूड ग्रेन्स में जूट बैग का यूज 50%। टाइम ओवर। अहमद हसन।